हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट क्लास टेंथ में चैप्टर सिक्स एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर एट इन फिगर ओ इज़ अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी ओ डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ओ ई परपेंडिकुलर ए सी ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी शो दैट ओ ए प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्यर प्लस सी ई स्क्र ये आपको फिगर दी गई है ओ इज अ आपके पास इंटीरियर में एक पॉइंट है ओ डी पर पेंडिकुलर है तो बेटा डी एंगल आपके पास नाइन्टी डिग्री हो जाएगा ओ ई पर पेंडिकुलर है ए सी के ऊपर तो ई e एंगल आपके पास नाइन्टी हो जाएगा ओ एफ पर पेंडिकुलर है ए बी के ऊपर तो एफ आपके पास नाइन्टी डिग्री हो जाएगा ठीक है बेटा अब आपने क्या करना है जो आपको प्रूव करना है इसलिए हमें ओ ए स्केयर ओ बी स्केयर एंड ओ सी स्केयर तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे ओ बी को हम ज्वाइन करेंगे ओ ए को ज्वाइन करेंगे एंड ओ सी को ज्वाइन करेंगे ठीक है हमें दूसरी साइड में हमारे पास है ए एफ स्केयर तो आप देख रहे हैं ए एफ स्केयर जो है वो कौन से ट्राइंगल में है आपके हमारे पास ए एफ ओ तो ये राइट ट्राइंगल है इसमें हमारे पास ए एफ स्क्वायर है ठीक है तो यही हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए ये ट्राइंगल हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे ठीक है बेटा फिर उसके बाद हम देख रहे हैं बी डी है तो बी डी हमारे पास ओ बी डी वाले ट्राइंगल में है ठीक है सी ई स्केर है तो सी ई e है हमारे पास ओ सी ई वाले ट्राइंगल में ठीक है तो हम ये वाले तीन ट्राइंगल लेंगे एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला और नेक्स्ट हमारे पास क्या चाहिए सी ई e तो सी ई e वाला ये वाला ट्राइंगल ठीक है तो चलिए जो हमारे पास गिवन है वो राइट करेंगे जो प्रूव करना है वो राइट करेंगे ये आपने बेटा गिवन राइट किया है और जो प्रूव करना है वो राइट किया है और सबसे पहले हम प्रूफ में ज्वाइन कर रहे हैं ओ ए ओ बी एंड ओ सी ओके बेटा तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इन ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल जिसमें हमारे पास ओ so, एफ मिल सके तो ओ एफ वाला ये ओ ए एफ ये वाला राइट ओ ए एफ तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है बेटा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओ ए जो है हमारे पास वो क्या है वो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज और बाकी दोनों साइड का क्या आ जाएगा सम आ जाएगा ओ एफ स्केयर प्लस ए एफ स्केयर ठीक है बेटा इसको ले लेंगे आप इक्वेशन वन तो इन राइट ट्राइंगल दूसरा वाला है हमारे पास ओ बी डी तो अगेन यहाँ पे भी आप पाइथागोरस थ्योरम या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम ठीक है बेटा यहाँ पे हमारे पास है ओ बी जो है हाइपट न्यूज है और दूसरी अदर साइड का सम आ जाएगा और स्केयर ठीक है ओ डी स्क्र प्लस बी डी स्क्र इसको ले लेंगे आप सेकेंड इक्वेशन इन राइट ट्राइंगल हमारे पास है नदर ओ सी ई सी ई तो यहाँ पे ओ सी हमारे पास क्या है हाईपटन्यूज ओ ई स्क्र प्लस सी ई स्क्र तो ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन ठीक है बेटा अब आप एडिंग करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ठीक है इनको आपने ऐड कर दिया तो आप देख रहे हैं ओ ए स्केयर प्लस अब जो ये लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड में आप ऐड करेंगे और जो राइट साइड है बेटा वो राइट साइड में आप ऐड करेंगे ठीक है ओ एफ स्केयर प्लस ए एफ स्केयर प्लस ओ डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर एन प्लस ओ ई स्केयर और प्लस सी ई स्केयर तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपको प्रूफ करना है ओ ए ओ बी ओ सी है आपके पास बाकी ओ डी ओ ई ओ एफ के साथ माइनस लगा है मतलब जो इस साइड वाले आपके पास ओ डी है ओ एफ है ओ ही है वो इस साइड आ जाएंगे कौन सी साइड आ जाएंगे आपके पास लेफ्ट साइड ठीक है ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर प्लस ओ सी स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर माइनस ओ डी स्केयर माइनस ओ ई स्केयर इज इक्वल टू जो रिमेनिंग बच्चा है बेटा आपके पास ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर और प्लस सी ई स्केयर तो हैंस हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो गया ठीक है तो हैंस प्रूफ ठीक है बेटा ये हो गया हमारे पास और आप आ, सेकेंड पार्ट अब प्रूफ करेंगे यहाँ पर देख रहे हैं आप सेकेंड पार्ट में बेटा ए एफ स्क्यर प्लस बी डी स्क्यर प्लस सी ई स्क्यर इज इक्वल टू ए स्क्यर प्लस सी डी स्क्यर एंड प्लस बी एफ स्क्यर तो ए e जो स्क्यर है वो किस ट्राइंगल में आ रहा है ए ओ ई वाले ट्राइंगल में ये वाले ट्राइंगल में ठीक है एंड सी डी स्क्यर जो आ रहा है वो ये वाला ट्राइंगल है ओ डी सी ठीक है नेक्स्ट हमारे पास बी एफ स्क्यर जो है वो कौन से ट्राइंगल में है O, B, F वाले में ठीक है जो हमने पहले ट्राइंगल लिए हैं उनको छोड़ के दूसरे वाले ट्राइंगल ये आपके पास ठीक है तो चलिए करिए इन राइट ट्राइंगल ए ओ ई ठीक है बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें ए ई e की वैल्यू चाहिए तो ओ ए जो है वो हाईपर्ट न्यूज है आपके पास ए ई e आपके पास बेस है तो आप ए ई e ही लेंगे ए ई स्केयर इज इक्वल टू ओ ए स्केयर माइनस हो जाएगा आपके पास ओ ई स्केयर तो आप लिखेंगे बाय यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ठीक है बेटा और इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन अगेन करेंगे इन राइट ट्राइंगल हमारे पास नेक्स्ट राइट ट्राइंगल है ओ डी सी तो ओ डी सी आपने ले लिया बेटा यहाँ पे अगेन हाईपरूज ओ सी है आपने वो नहीं लेना सी डी की वैल्यू चाहिए आपको तो सी डी लेंगे आप सी डी स्केयर इज इक्वल टू ओ सी हाईपटन में से आप दूसरी जो साइड है वो माइनस कर देंगे ओ सी माइनस क्या हो जाएगा ओ डी स्केयर सेकेंड आ गया आपके पास इन राइट ट्राइंगल अनदर ओ बी एफ क्योंकि बी एफ की वैल्यू चाहिए ओ बी एफ आ जाएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको वैल्यू चाहिए बी एफ की तो बी एफ लिखेंगे बी एफ स्केयर इज इक्वल टू ओ बी हाइप न्यूज़ है हाईपर न्यूज में से आप ओ एफ माइनस कर देंगे ओ एफ ये आ गया थर्ड अगेन आप इसकी क्या करेंगे एडिंग करेंगे एडिंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री तो बेटा आपने लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड में एडिंग करनी है और राइट right साइड वाली राइट right साइड में एडिंग करनी है ठीक है तो हमारे पास ओ ए माइनस ओ ई प्लस ओ सी माइनस ओ डी प्लस ओ बी स्क्र माइनस ओ एफ स्केयर ओके बेटा अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास ये जो चीज़ है ये तो आ गया हमें इस साइड जो देना था ठीक है ये ए स्क्यर प्लस सी डी स्क्यर प्लस बी एफ स्क्र ओके बट हमारे पास यहाँ पे ओ स्क्र माइनस ओ ओ ए स्क्र माइनस ओ ई स्क्र प्लस ओ सी ओ डी एंड प्लस ओ बी माइनस ये तो बेटा आपने अभी फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ किया है देखिए यहाँ पे आपने ओ ए ठीक है आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास अभी फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ हुआ है ये देखिए ओ ए स्केयर और प्लस का है ओ बी स्केयर एंड प्लस का है ओ सी स्केयर माइनस का है आपके पास ओ है ये माइनस का है ओ एफ स्केयर एंड माइनस का है ओ डी स्केयर एंड माइनस का है ओ स्केयर ओके तो आप इसकी जगह ये वैल्यू जो हमारे पास प्रूफ हुई है वो लिख लेंगे ठीक है तो आप लिखेंगे बेटा ए ई स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस बी एफ स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास आया था ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ इन पार्ट फर्स्ट ठीक है बेटा तो ये हमारे पास क्या आ गया हैंड्स प्रूफ ओके ये हमारे पास प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट ओके थैंक यू